नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं अकरम खान अलीगढ़ से। बीते 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस बीमारी को लेकर एक निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने देश की आम जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी 22 तारीख को यानी कि कल रविवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा, जिसमें लोगों को उनके घरों में रहने की सलाह दी गई है। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है। हम मौजूद हैं अलीगढ़ में, यहाँ पर भी कल जनता कर्फ्यू का असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। हम अलीगढ़ के और हिस्सों में भी जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का कल जनता कर्फ्यू का जो निर्णय है, वो इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं। मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। इससे तो ये है कि कल भी ऑफ रहेगा और उसके अलावा बाकी जो घंटे वो भी ऑफ रहेगा। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी काम के लिए लोग घर से निकलें वैसे भी, और जितना अपने घर में रहें, अपने घर के अंदर अपने घर वालों को सपोर्ट करें, कम से कम घर से निकलें, ज़रूरत के मुताबिक घर से निकलें। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे आर्मी हैं, ये लोग निकलेंगे, लेकिन उनको भी सपोर्ट करना है हर चीज़ में। और ज़्यादातर जो है सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें, गंदगी कहीं नहीं फैलाएं। अगर कोई आदमी ऐसा आपको मिलता है कोरोना वायरस का, तो उसके अंदर हिम्मत बनाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत ख़राब है, ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई भी आदमी घबराए नहीं। अगर किसी को भी कोई इस टाइप का इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले जो है नियर अबाउट जो हॉस्पिटल है उसके अंदर खबर करें। इट्स अ गुड एक्ट, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, उसके एक्ट का सपोर्ट करना चाहिए। फाइनल दे आर थिंकिंग अबाउट अस, नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन, ना वो हिंदू ना मुसलमान, वो किसी नहीं सोच रहे, वो सोच रहे मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए सोच रहे हो। तो ये एक अच्छी वो है मुहिम। हम किसी हिंसा के लिए तो भारत बंद कर सकते हैं, तो ये तो हमारे खुद के फेवर में है ना, तो हम कर सकते हैं ये। और मैं तो सोचता हूँ हाँ, अच्छी चीज़ है ये। हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये बात बोला है कल कर्फ्यू के लिए, लोगों के हित के लिए बोला है, जिससे कि उनकी सुरक्षा से अपने को बचा के रखें, और जिससे कि लोग सब बाहर निकलेंगे तो इससे बीमारी का वो लोग वायरस जल्दी सबको होगा। और सब लोग अगर अपने घर पर रहते हैं तो इसका 12 घंटे में 24 घंटे के अंतर्गत इसका कुछ ना कुछ हम लोगों को बेनिफिट होगा इस वायरस का। तो इसीलिए सभी लोग अपने घर पे भी अगर खाना खाते हैं या नहाते, हर सबसे पहले हैंड वॉश करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं, जागरूक करें, और अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि कोई भी काम करते हैं तो हैंड वॉश करके ही अपना। प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन के आप लोग साथ हैं? जी, उनका भी डिसीजन बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुछ सब लोग अंदर रहेंगे तो हम जो भी काम करते हैं उस चीज़ से हम बचेंगे, और जब हम उस चीज़ से बचेंगे तो ये वायरस भी हमारे पास नहीं आएगा। तो इसीलिए उनका भी कहना बहुत ही बढ़िया है, इससे हम सेटिस्फाइड हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। और कल जो कर्फ्यू लगना, जनता कर्फ्यू लग रहा है, वो बहुत ही अच्छा है और सभी के हित में है, ये बहुत ही अच्छा है।